नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सर। पिछले कई दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि जो फ्रैक्शन का मैंने वीडियो बनाया, मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे कमेंट आया, और ये सब देख करके मुझे लगा कि नहीं, फ्रैक्शन में थोड़ी सी और विड्थ लानी चाहिए, क्योंकि अभी CHSL के पेपर चल रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर चल रहे हैं, तो उनको देखने से मुझे लगता है कि उनकी जो परिधि है, उनकी जो एक तरफा एक तरह की कवरेज है कह लीजिए, उस कवरेज के क्षेत्र में कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने फ्रैक्शन पार्ट टू आज लिया है। फ्रैक्शन पार्ट टू में मैं उस तरीके के कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर बात करूंगा जो बहुधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कठिन नहीं होते, जटिल नहीं होते, ये बेहद आसान होते हैं, बशर्ते मुख्य धारा से जुड़े। फ्रैक्शन का जो मेन थीम है, फ्रैक्शन कैसे हल करते हैं, जब इस तरह की विधा को हम सीख जाते हैं, इस तरह के मेथड हम जान जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह के बनने वाले प्रश्न बेहद आसान होते हैं। आप बोर्ड पर एक प्रश्न देख रहे होंगे, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में 8% कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। ये तो मैंने ऐसे ही एक उदाहरण ले लिया है। ऐसे तमाम क्वेश्चन, हजारों हजार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते आए हैं पीछे अगर 10-15 वर्षों में मैं देखूं तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे किया जाए। क्योंकि मैंने कंपेयरिंग सिखा दिया है आपको कि आप कैसे कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को, गिवन फ्रैक्शंस में कौन सबसे बड़ा है, कौन उससे छोटा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, इन सब पर मैं पिछली क्लास में बेहद अच्छे तरीके से बात किया है। जो नए स्टूडेंट्स होंगे, जो नए सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए मेरा एक छोटा सा निर्देश है कि वो इसके पहले भिन्न पार्ट टू, फ्रैक्शन का पार्ट टू देखने से पहले पार्ट वन देखें और जज करें कि हाउ वी कैन कंपेयर फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना भी सीखना होगा। आज के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण बातें वही हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद और अलग तरह के थोड़े क्वेश्चंस मैं लूंगा। कुल मिलाकर आज की वीडियो टोटली डिपेंड है फ्रैक्शंस के उस तरह के प्रश्नों पर जो प्रश्न बहुधा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि कंपेयरिंग के अतिरिक्त है, तुलनात्मक भिन्नों की अपेक्षा जो दूसरे या तीसरे तरह के प्रश्न बनते हैं उन पर मैं आज बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं आज के ही प्रश्न। क्वेश्चन को उस तरीके से लीजिए जैसा आपको लगता है सामान्य, सबसे बिलो लेवल। कंपटीशन इज नॉट अ काइंड ऑफ टफ एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये हम लोग मन में फोबिया थोड़ा बना लेते हैं, इस फोबिया से हमें बाहर आना चाहिए कि फिर ये कंपटीशन क्या है, थोड़ा कठिन है। कुछ ऐसा नहीं है, साधारण प्रश्नों की भांत इस तरह के प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। आइए समय बर्बाद किए बिना हम लोग प्रश्न पर बात करते हैं। किसी भिन्न के अंश, बहुत ध्यान से देखिए प्रश्न को बोर्ड पर, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर, जरा परसेंट की बात मैं समझा दूंगा। बहुत सारे तरीके हैं इस प्रश्न को हल करने के, लेकिन हमें जो सबसे सूक्ष्मतम और सबसे सरलतम विधि महसूस होती है वही मैं डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पर। अब इन्होंने 15% बोला है, जितना परसेंट अधिक कहे 100 में उतना जोड़ देते हैं और जितना परसेंट कम कहे 100 में से उतना घटा देते हैं। बोर्ड पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो इन्होंने कहा है किसी भिन्न, वो भिन्न मुझे पता नहीं है जो भिन्न है, सो वी हैव टू अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि वह भिन्न क्या है, तो मैंने मान लिया। मैं सॉल्यूशन यहां लिखता हूं, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। माना भिन्न एक्स अपान वाई, ये मैंने अपने मन से माना। कोई भी इस तरीके का नोटिफिकेशन या सूचित करने वाले भी मैं ले सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, इसमें कोई विद्वान बनने की कोई जरूरत आपको नहीं है। फिलहाल आप एक्स अपान वाई कोई फ्रैक्शन आप मान लेते हैं, मैंने भी मान लिया है। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न ने कहा किसी भिन्न के अंश में, तो अंश तो आपने जो भिन्न माना है उसका अंश क्या है, एक्स है। अंश क्या दिख रहा है आपको, एक्स। आपने जो भिन्न मानी है एक्स अपान वाई, मैं फिर से इसे क्लियर करता हूँ, उसका अंश क्या है, एक्स है, और उसका हर क्या है, वाई है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अंश में 15% वृद्धि करने पर, अंश में कितनी वृद्धि करनी है, 15% वृद्धि करनी है। कोई भी चीज है, कोई भी संख्या है, कोई भी कम्युनिटी है, वो 100% होती है। 15% वृद्धि कर दोगे तो कितना हो जाएगा, वो 115% हो जाएगा। सिंपल बात समझिए, अगर 15% आप वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। मैं कह दूं 10% कम करते हैं तो निश्चित तौर पर 90% हो जाएगा। 100 में से घटाना है और 100 में से बढ़ाना है। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंश में 15% की वृद्धि करनी, तो चलिए 15% की वृद्धि करना मतलब 115%। एक्स का कितना परसेंट, 115%।
मैंने क्यों लिखा 115, क्योंकि 15% वृद्धि उन्होंने कहा है। प्रतिशत में जब भी वृद्धि होगी तो 100 में प्लस करके उसे लिखेंगे, प्रतिशत में जब भी कमी होगी 100 में से घटा कर उसे लिखेंगे। तो चलिए, इन्होंने कहा कि अंश में, तो अंश मतलब एक्स में 15% की वृद्धि होती है, मैंने 115% लिख दिया यहाँ पर। क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने 15% वृद्धि की बात कही है। हर में क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर वृद्धि थी जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, और यहाँ पर क्या है, हर में 8% कमी करने से, हर में कितनी कमी करनी है, 8% की कमी करनी है। कमी मतलब माइनस, 100% होता है, 8% कम कर दोगे तो कितना परसेंट हो गया, 92%। एकदम क्लियर है? अगर आपको प्रतिशत वृद्धि कहता है, इंक्रीमेंट इन परसेंटेज आता है, तो आप 100 में प्लस करते हैं, और अगर कमी कहता है तो 100 में माइनस करते हैं। उन्होंने 8% की कमी कहा, सो आई हैव रिटन हियर 92%, क्योंकि 8% की उन्होंने कमी कहा है। अब क्या आता है, अगर ऐसा मैं कर देता हूं, क्वेश्चन कहता है अगर आप अंश में 15% की वृद्धि कर देते हैं और हर में 8% की कमी कर देते हैं, तो आपको जो भिन्न प्राप्त होती है वो 15/16 प्राप्त होती है। तो इज इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूं, 15/16। बताइए, इस पूरे के इक्वेशन के फॉर्मेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, इन्होंने कहा है अंश में आप वृद्धि कर दीजिए 15% की, तो मैंने 115% लिखा यहाँ पर, क्योंकि 15% वृद्धि का मतलब है 100+15%। इन्होंने कहा हर के लिए कि 8% की कमी कर दीजिए, मैंने 8% की कमी का मतलब क्या समझा, 100-8%। आपको भी बिल्कुल इसी तरह समझना होगा। तो सबसे सरल तरीके से आप क्वेश्चन कर, चलिए ये तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है, ये अलग तरह की चीजें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, आप क्वेश्चन में डायरेक्ट समझिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये प्रोसीजर के पीछे हम बोर्ड मास में और नंबर सिस्टम के तमाम क्वेश्चंस में बताया है, वही यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। 115% आप क्या समझते हैं, 115/100% आप हटाते हैं, अपॉन 100 लगाते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ सारी चीजें, y into 92%, फिर से मैं यहाँ का परसेंटेज हटाऊंगा, अपॉन 100 लगाऊंगा, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 15/16। वेरी सिंपल, थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे इसे। आप देख रहे हैं 100 है यहाँ पर, 115 का x में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, निश्चित तौर पर जो नीचे लिख रहा हूं वही आपको मिलेगा। देखिए ध्यान से, 115x 115x अपॉन 100। यहां पर नीचे 92 का अगर आप y में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 92 अपॉन 92y अपॉन 100। ये बहुत ही नीचे मैं लिखा हूं, बहुत ध्यान से आप देखेंगे, कंफिगर करेंगे इसे। 115 का x में मल्टीप्लाई किया, 115x अपॉन 100 था, मैंने अपॉन 100 लिखा, आपने 92 का वाई मल्टीप्लाई किया, 92y लिखा, अपॉन 100 था तो अपॉन 100 लिखा। यहां तक आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू क्या दिया है, 15/16, सो सिंपली मैंने 15/16 लिख दिया। आइए इधर देखिए, ये मैंने लाइन ड्रा की है, इसके इधर इसी क्वेश्चन को और फॉरवर्ड करता हूँ। थोड़ा सा नियम है, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आता है तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं जिसको मैं यहाँ सर्कल में कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला फ्रैक्शन है, और इसके जो नीचे आप देख रहे हैं दूसरा सर्कल कर रहा हूँ, ये नीचे वाले फ्रैक्शन है। ऊपर वाले फ्रैक्शन को जो का त्यों लिखते हैं, 115x अपॉन 100, ये देखिए मैंने लिख दिया, और नीचे वाले फ्रैक्शन के साथ क्या करते हैं, इंटू लगाते हैं, इसे रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, हर को अंश बना दीजिए और अंश को हर बना दीजिए, मतलब 92y अपॉन 100 को 100 अपॉन 92y लिख देंगे। ये बात आपको समझनी होगी निश्चित तौर पर, ये मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूँ अपने तमाम वीडियोस में, लेकिन अभी यहाँ मैं फिर से बात करता हूँ। ऊपर वाले फ्रैक्शन को ज्यों का त्यों लिखते हो, कोई चेंज नहीं करते, नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करते हो, उल्टा करते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो। ये देखो मैंने गुणा कर दिया, नीचे वाले फ्रैक्शन जो हमारा 92y/100 था उसे उल्टा कर दिया, 100/92y इज इक्वल टू आपके पास क्या था, 15/16, मैंने क्या लिख दिया, 15/16।
यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं 100 एंड 100 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया आपका। 5 से देखें तो आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 1 बचा है यहाँ पर बेटा, ये 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर आपने 5C से कैंसिल किया, 5C से कैंसिल करने जा रहा हूँ, 5 3 जा 15, आपको यहाँ 23 मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, 3 मिल गया। आप देख सकते हैं मैं 4 से नीचे नीचे, आप कैंसिलेशन करते से बात इस बात का ख्याल रखेंगे इक्वल टू के दाहिनी तरफ जो है और इक्वल टू के बाईं तरफ जो है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, उनके बीच में रिलेशन जो होना चाहिए वो प्लस माइनस का नहीं होना चाहिए, या तो इनटू का होना चाहिए या तो डिवीजन का होना चाहिए। तो यहाँ पर इनटू का रिलेशन था इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर दिया 5 3 या 15 और यहाँ पर 23 टाइम लिया। अगर मैंने 115 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कैंसिल करता हूँ 4 से, देखिए जरा ध्यान से, तो 4 2 जा 8, 1 बचा, ये 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, ये मैंने 4C से कैंसिल किया, अब 4C ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, मतलब मैंने 4 की मदद से 92 और 16 को कैंसिल किया और 5 की मदद से 15 और 115 को कैंसिल किया। अब आप एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को नीचे लिख लेंगे, जैसे 23x है तो मैंने x लिख दिया, इनटू ऊपर तो कुछ बचा नहीं है क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो गया है, नीचे 23y है, ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचता है और ये 23y है, इज इक्वल टू 3/4। आप देखिए 23 से 23 कैंसिल हो गया, x बन गया x/y है तो y इज इक्वल टू 3/4। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे बोला था प्रारंभिक भिन्न क्या है, हमने प्रारंभ में भिन्न क्या मानी थी, x/y मानी थी। कितना भी परसेंटेज चेंज करें, कितने भी और मैथमेटिकल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करें, लेकिन ओरिजिनल जो फ्रैक्शन था, ओरिजिनल जो भिन्न थी, वही मुझे निकालना था। फाइनली मैंने x/y की वैल्यू निकाल दी, तो आपका फाइनल आंसर हो गया x/y इज इक्वल टू 3/4, प्रारंभिक भिन्न बराबर 3/4, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन को कई बार देखिए, रिपीट करके देखिए वीडियो को, अगर नहीं समझ में आता है, अगर कोई कहीं से कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, निश्चित तौर पर हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चंस में बिल्कुल मत घबराइए, जब भी परसेंटेज चेंज की बात आए, अगर परसेंटेज प्लस हो रहा है, अगर आपके भिन्न में एक तरीके से प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो आप 100 में वही परसेंट जोड़ दीजिए। जैसे इन्होंने कहा है क्वेश्चन में 15% की वृद्धि, मैंने 100 में 15 जोड़ दिया है, 115% निकाल लिया है। इन्होंने कहा है 8% की कमी हर में, तो मैंने हर में 8% की कमी मतलब 100 में से 8 घटा दिया है, 92% निकाल दिया है। अगर यह सिंपल तरीका आपके दिमाग में सेट हो जाता है, निश्चित तौर पर इस तरीके से परसेंटेज चेंज इन फ्रैक्शन के क्वेश्चन में आप सफल हो जाएंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं। चलिए दूसरे तरह के प्रश्न पर बात करूंगा। ये तो प्रश्न हो गया, इसे आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं अभी इसको हटाऊंगा बोर्ड से और एक दूसरे तरह के प्रश्न पर बात करूंगा। वह प्रश्न भी बहुत बारी ज्यादा पूछा गया है और पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि पैटर्न वही है और उसी पद्धति पर एग्जाम आज भी होते हैं। मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं। अब की बार जो फ्रैक्शन लेने जा रहा हूं, जिस तरह के भिन्न के क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, उनकी अपीयरेंस एग्जाम्स में विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन ज्यादा है। ये जो प्रश्न भी मैंने सॉल्व किया, इस तरह के प्रश्नों की अपेक्षा अब मैं जो दूसरा प्रश्न लेने जा रहा हूँ वो ज्यादा एग्जाम में आता है, खासतौर पर SSC के एग्जाम का पेटेंट क्वेश्चन है और वहाँ इस तरह के क्वेश्चन लगातार मिलते रहते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों को करते समय केवल कैलकुलेशन पर ध्यान दें, मेथड छोटा नहीं खास, मेथड जो आप देख रहे हैं मैं इरेज करके भी यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा, वो मेथड आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, बस उसे अप्लाई करते समय थोड़ी सावधानी बरतते हैं। सावधानी बरतने का मतलब ओनली एंड ओनली कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपकी सरलता के लिए, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि अगर कोई ऐसी भिन्न हो, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, अगर ऐसी कोई भिन्न हो जिसका हर अंश से 2 अधिक हो, मैं लिख देता हूँ किसी भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है,
यदि अंश में एक घटा दिया जाए तथा हर में एक जोड़ दिया जाए तो प्राप्त भिन्न एक बटे दो हो जाती है। प्राप्त भिन्न एक बटे दो हो जाती है। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए, ऐसा भी प्रश्न बन जाता है। यहाँ बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, बाकायदा इन्हें देखिए। पहला स्टेप मैथमेटिक्स में निश्चित तौर पर ऑब्जर्वेशन होता है, एनालिसिस बाद में करते हैं, पहले तो ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन को। ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पर लिखा, प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए, ये मैंने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, कई बार देखिए और इसके चरित्र को पहचानिए। हर एक क्वेश्चन का एक नेचर होता है, इनका स्वभाव होता है। अगर उस स्वभाव की परितः आप काम करेंगे तो आपसे बेहतर मैथमेटिक्स कोई नहीं लगा सकता। चलिए इसकी कैरेक्टर को पढ़ा जाए, इसके नेचर को पढ़ा जाए, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन है किसी भिन्न का हर, फिर भिन्न नहीं पता है। इंडिकेशन ऑफ द क्वेश्चन इज दैट अननोन फ्रैक्शन इज हियर। आपको ध्यान देना होगा कि एक फ्रैक्शन ऐसा है जो अननोन है, उसी पर फोकस करना है। तो चलो सबसे पहला पहली बात हमारे सामने है किसी भिन्न का हर। इट मीन्स टू से दैट फ्रैक्शन नहीं दिया है क्वेश्चन, वो कोई फ्रैक्शन है। अब हमारा और आपका उत्तरदायित्व बनता है कि हम और आप उस फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करें, उसे जाने और उसे समझे। तो चलिए हम फिर मानते हैं कि फ्रैक्शन हमारा क्या है, कुछ भी मान सकते हैं। अब सोल्यूशन पे ध्यान से देखेंगे। मान लिया मैंने मेरा फ्रैक्शन क्या है, माना भिन्न x अपान y है। वेरी सिंपल थिंग, मैंने भिन्न को क्या माना, x अपान y है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम प्रोसीड करेंगे। एक एक स्टेप कराए किसी भिन्न का हर अंश से दो अधिक। अब देखिए, अब तो y के बारे में तो ये एनालिसिस ही नहीं करेगा, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। इन्होंने क्या कह दिया, किसी भिन्न का हर अंश से दो अधिक है। जितना भी आपका अंश है उसका हर क्या होगा, उससे दो अधिक होगा। अब भिन्न में चेंज देखिए, मैंने बेसिक तौर पर भिन्न क्या मानी, एक्स अपान वाई माना। आप भी मानेंगे, आप भी ऐसे ही सोचेंगे जैसे मैं सोचता हूँ कि कोई भी अगर भिन्न है तो निश्चित तौर पर बटे में लिखी गई होगी, तो मैंने उसे क्या मान लिया, एक्स अपान वाई। लेकिन अब क्वेश्चन आपके सामने कंडीशन रखता है, कंडीशन क्या रख रहा है कि किसी भिन्न का जो हर है वो अंश से दो अधिक है। अगर आपने अंश x माना है, कोई भिन्न अगर आपके आपके भिन्न की अंश अगर x है, तो निश्चित तौर पर उसका हर कितना होना चाहिए, उससे दो अधिक होना चाहिए। तो अगर मैंने मेरा अंश अगर x है तो मेरा हर कितना होगा, x प्लस टू। y की जगह क्या होना चाहिए, x प्लस टू होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कंडीशन दे दिया है कि आपका हर अंश से दो अधिक है। मेरा अंश क्या है, ये आपका अंश है। एकदम अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूं एक बात जिससे आपको समझ में आ जाए। आपका अंश x है, कह रहा है कि आपके अंश से हर दो अधिक है, तो हर तो मेरा ये नीचे है, उससे दो अधिक का है। देखिए मैंने प्लस टू कर दिया, या तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो ने फ्रैक्शन x अपान y माना है, y की जगह क्वेश्चन में आपको इंडिकेशन कर दिया। वो इंडिकेशन क्या है कि आप हर y नहीं लिखेंगे बल्कि आप अंश से दो बढ़ा देंगे तो आपको हर मिल जाएगा। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए मेरा जो वास्तविक भिन्न हुआ वो अब x अपान y न होकर के x अपान x प्लस टू है, यही आपकी वास्तविक भिन्न है। अगर मैं आपको समझाऊं कि ये आपके लिए प्रारंभिक या वास्तविक भिन्न है, प्रारंभिक या वास्तविक भिन्न आपकी यही है। एकदम अच्छे से यहां लिख दिया गया है, ये जो फ्रैक्शन मैंने अभी निकाला है आप देख सकते हैं x अपान x प्लस टू, यही आपकी प्रारंभिक भिन्न है। चलिए प्रारंभिक भिन्न आपको पता चल गई, यही प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये एक्चुअली कितना है। अभी तो हमने x अपॉन x प्लस टू लिखा है, वेरिएबल के साथ है, रियल वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू इसकी क्या होगी ये पता करना है। अब क्वेश्चन में जैसा कहेगा वैसा मैं करूंगा।
कह रहा है यदि अंश में एक घटा दिया जाए, अंश आपका एक्स है, एक्स में एक घटा दीजिए, और फिर क्या कह रहा है, तथा हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दीजिए, हर आपका x प्लस टू पहले से है, एक जोड़ना है, तो देखिए एक मैंने जोड़ दिया, तो प्राप्त भिन्न एक बटे दो हो जाती है। इस प्रकार जो भिन्न मुझे मिलती है वो एक बटे दो हो जाती है। When we subtract one from the numerator and add one in the denominator, then we will get a kind of fraction that is 1/2. It is given in your question. आपके प्रश्न में दे दिया है कि जब आप अंश में से एक घटाते हैं, हर में एक जोड़ते हैं, तो आपको भिन्न एक बटे दो प्राप्त होती है। यहाँ मैंने लिख दिया एनालिसिस के लिए। थोड़ा क्वेश्चन में आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो ऊपर के टर्म को मैंने जो खाते लिख दिया एक सपान वन, नीचे आइए टू और वन मिलकर के थ्री, वी कैन राइट इट एज एक्स प्लस थ्री। मैंने इसे एक्स प्लस टू प्लस वन को मैंने एक्स प्लस थ्री लिख दिया इज इक्वल टू 1/2। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन की मेन चीज तो यही थी जो फ्रैक्शन का आपने निर्माण किया है। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। मैं यहाँ पर लगाता हूँ इसको और यहीं पर एक लाइन ड्रा करता हूँ, लाइन की इस तरफ इसी क्वेश्चन को मैं प्रोसीड करता हूँ। क्या है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 1/2, यही इक्वेशन मुझे मिला है। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वन का टू में मल्टीप्लाई करेंगे, टू का एक्स में करेंगे टू एक्स, टू का वन में करेंगे टू वन या टू आएगा, माइनस लगा हुआ था मैंने माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू वन का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे एक्स आएगा, वन का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे थ्री आएगा। अब आप देख रहे हैं वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, चर राशियां एक तरफ कर लीजिए, कॉन्स्टेंट एक तरफ कर दीजिए, अचर राशियां एक तरफ कर दीजिए, तो टू एक्स माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू थ्री पहले से है, माइनस टू इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये देखिए मैंने प्लस टू लिख दिया, टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, दो एक्स में से एक्स जाएगा तो एक्स आ जाएगा, थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, यू हैव गेट द न्यूमरेटर एज फाइव, एक्स बराबर पांच मिल गया आपको, मतलब आपको अंश तो पता चल गया। अब इन्होंने आपसे प्रारंभिक भिन्न पूछी, आपकी प्रारंभिक भिन्न यही है, यही आपकी प्रारंभिक भिन्न है, क्योंकि क्वेश्चन इसी की स्थिति के बारे में कहा गया है कि आपका हर आपके अंश से दो अधिक होगा। मैंने ऐसी भिन्न लिया है x अपॉन x प्लस टू जिसका हर अंश से दो ज्यादा है, इसलिए प्रारंभिक भिन्न बराबर प्रारंभिक भिन्न निकाल सकते हैं यहां से आसानी से। प्रारंभिक भिन्न क्या थी, मैं एक बार सरलता के लिए नोट कर देता हूं, x अपॉन x प्लस टू, देख सकते हैं x अपॉन x प्लस टू। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू 5, x बराबर 5 मिला है, यही x बराबर 5 यहां रख लीजिए, तो आपको मिलेगा 5 अपॉन 5 प्लस 2। आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको रियल फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा 5 अपॉन 5 टू 7, 5 बाई 7, यही आपका सही जवाब है, जो मैंने इसे सर्कल कर दिया है, यही आपका आंसर। यही आपसे पूछा गया था आपकी प्रारंभिक भिन्न क्या है, तो मुझे पता चल गया है 5/7। इस तरह की क्वेश्चन में जटिलता कुछ नहीं है, हाँ डिटरमिनेशन ऑफ द फ्रैक्शन बहुत जरूरी है, जैसा वो कहा हुआ आपको क्वेश्चन में कि ऐसी भिन्न आप मानिए वैसा ही मानिए, इन्होंने कहा था आप चाहे एक्स अपॉन वाई अगर आपको किसी तरीके से कॉम्प्लेक्स क्रिएट करे आपके मन में, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाए, थोड़ी देर के लिए इसे ध्यान में न रखें, आप प्रश्न को देखें, आप प्रश्न अगर देखेंगे तो आपको बता रहा है कि आपका हर अंश से दो अधिक है, आपका हर अंश से दो अधिक है। अब मैंने अगर अंश x लिया है तो हर निश्चित तौर पर मुझे x प्लस टू लेना पड़ेगा, यही बात आपको ध्यान में रखनी है, और निश्चित तौर पर इस तरह के क्वेश्चन पर पूरा का पूरा कमांड हो जाएगा। कहीं से आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, लगातार जुड़े रहें, और अगले ही सिस्टम के तहत हम यूपीपी के अगले टॉपिक पर बात करूंगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर, उसके बाद हम लोग इंडिसेस पर बात करेंगे, घातांक अवकरणी पर बात करेंगे। लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोस, तब तक के लिए नमस्कार।